हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्टडी विद दिव्य क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मैं धीरेंद्र मिश्रा आज आपको क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश प्रोज का फर्स्ट चैप्टर का पहला पाठ पढ़ाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके पहले वाले पार्ट में डियर स्टूडेंट्स आपको लाइंड द स्ट्रीट यहाँ तक पढ़ाया गया था। आगे पढ़ते हैं, द पीजेंट एमंग दीज रिफ्यूजीज। पीजेंट्स मीन्स किसान, एमंग मीन्स के मध्य में, रिफ्यूजीज माने शरणार्थी। द पीजेंट्स एमंग दीज रिफ्यूजीज हैड बीन एकस्टम्ड टू, आदि हो गए थे, लिटिल ऑल दियर लाइफ्स, थोड़े मुड़े में जीने की। द पीजेंट एमंग दीज रिफ्यूजीज, इन शरणार्थियों के मध्य में, बीच में जो किसान थे, हैड बीन एकस्टम्ड टू, वे आदति हो गए थे, लिटिल्ड आर दियर लाइफ्स, वे थोड़े बहुत में जीवन व्यतीत करने में, यानी जो उन शरणार्थियों के बीच में जो किसान थे, वे किसान अपना सारा जीवन ऐसे छोटे मोटे परिवार की तरह व्यतीत करने के आदि हो गए थे। फॉर, क्योंकि द एनुअल इनकम, जो वार्षिक आय थी ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, जो एनुअल इनकम वार्षिक आय थी जो एक कृषक परिवार का, एग्रीकल्चर फैमिली मतलब कृषक परिवार, यानी एक कृषक परिवार की जो वार्षिक आय थी, डज नॉट ऑन द एवरेज एक्सीड, वह औसतन सही नहीं थी। एक्सीड $100 ए ईयर, वह लगभग एक वर्ष में $100 के करीब थी। बताया जा रहा है कि शरणार्थियों के मध्य में जो किसान रहते थे, वे बेचारे थोड़े मोड़े में अपना जीवन व्यतीत करने के आदि हो गए थे, क्योंकि वार्षिक उनकी आयु बहुत अधिक नहीं थी, एक सही अनुपात नहीं था उनके वार्षिक आयु का जो वो कमाते थे। वो उनकी आयु लगभग जो थी वह एक वर्ष में $1,000 अधिकतम वे कमा पाती थी। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर, द एवरेज अनस्किल्ड, औसत यानी अनस्किल्ड माने अकुशल, जो अकुशल औसत था लेबरर, काम कार्यकर्ताओं का यानी काम मजदूरों का जो अकुशल औसत था, मेक्स 30 सेंट्स ए डे, वह 30 सेंट, सेंट माने सिक्का होता है, 30 सिक्के एक दिन में बनते थे, यानी जो गरीब मजदूर बेचारे थे उनका जो अकुशल औसत था, प्रत्येक दिन की कमाई थी, वो लगभग 30 सिक्के ही एक दिन के कमा पाते थे, और या लेस देन $2 ए वीक, या एक सप्ताह में $2 से भी कम उनकी कमाई हो पाती थी। देयर इज वन मील ए डे, देयर इज वन मील ए डे, एक दिन में एक ही टाइम, एक ही समय का भोजन मिलता था, मील माने भोजन। एन ओनियन, एक प्याज, अ पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी, ए बाउल ऑफ पल्स विथ मिल्क, एक कटोरे दाल दूध के साथ, परहेप्स शायद, ए बिट ऑफ गोट चीज, और शायद कभी कभी बकरी के दूध का पनीर मिलता था। कहने का मतलब है, यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि वे जो मजदूर बेचारे थे उन शरणार्थियों के बीच में, उनकी कमाई जो औसतन थी वो एक वर्ष में लगभग $100 से अधिक नहीं हो पाती थी, एक दिन में उनकी कमाई लगभग 30 सिक्के हो पाती थी। इसको औसतन निकालेंगे तो वह एक सप्ताह में $2 से भी कम हो पाता था, और एक दिन में उनको एक ही बार भोजन मिलता था, वह भोजन उनको जो मिलता था वो एक रोटी और प्याज का टुकड़ा और एक कटोरा दाल, थोड़ा सा दूध, और कभी कभी गोश्त या पनीर मिल जाते थे बकरी के दूध के। नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट, यानी नो टी, न चाय मिलता था, नो कॉफ़ी, न कॉफ़ी मिलता था,
उनको न चाय मिलता था, न कॉफ़ी मिलता था, नो फाइट, और न ही उनको घी मिलता था खाने के लिए, नो स्वीट्स, न कोई मिठाइयाँ मिलती थी खाने के लिए, नो मीट, न कोई मांस उनको मिलता था खाने के लिए, इतनी गरीबी थी। $100 ए ईयर, एक वर्ष में $100, यानी कि एक वर्ष में $100 इज नॉट $2 ए वीक, एक सप्ताह में $2 के बराबर भी नहीं था। एट, फिर भी इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू अर्न, फिर भी जो छोटी मोटी राशियां इज हार्ड टू अर्न, कठिनाई से वे लोग कमाते थे बाई सेलिंग बास्केट, टोकरियों को बेच कर, टू पीपुल टू पुअर टू बाई देम, कि लोग इतने गरीब थे कि उसको खरीदने में भी सक्षम नहीं थे, यानी वे बेचारे इतनी कठिन परिश्रम करते थे टोकरियों बेचने के लिए, लेकिन वहाँ के लोग इतने गरीब थे कि उस टोकरियों को खरीदने में भी अधिक पैसे में सक्षम नहीं थे। दैट नो डाउट इज द रीजन, निसंदेह यही कारण है कि दीज लिटिल चिल्ड्रेन, ये छोटे बच्चे, डिसेंडेड ऑन मी, मेरे ऊपर कूद पड़े लाइक लोकस्ट, टिड्डियों की भांति। यानी यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि वे बेचारे इतनी कठिन परिश्रम करते थे, टोकरियों को बेचते थे, और वहाँ के लोग ऑलरेडी इतने गरीब थे कि अच्छी राशियाँ उनको नहीं दे पाते थे, और निसंदेह यही कारण था, लेखक बता रहे हैं कि वे छोटे बच्चे हमारे ऊपर टिड्डियों की भांति कूद पड़े। आई एन अमेरिकन, मैं एक अमेरिकन था, वाज डाउटलेस और निसंदेह द मोस्ट प्रामिजिंग मार्केट दैट सीन, और निसंदेह मैं उन लोगों की नज़र में एक सबसे अधिक आशावान ग्राहक था। यानी मैं एक अमेरिका का था और उन्हें ये लगा कि ये विदेशी है, और निसंदेह वे हमें एक आशावान ग्राहक समझकर टिड्डियों की भांति मेरे ऊपर कूद पड़े, यानी मुझे घेर लिए, उन्हें लगा कि ये हमारे सामान का अच्छी कीमत जरूर देगा। आई बॉट वन टिनी बास्केट, मैं एक छोटी टोकरी खरीदी, फॉर अ फ्यू अनाज, कुछ आना की, टिनी मैंने छोटी, और आना मतलब पैसा होता है, आना पैसा ये सब आप जानते होंगे। आई बॉट वन टिनी बास्केट फॉर अ फ्यू अनाज, मैं कुछ आना की एक छोटी टोकरी खरीदी, अनदर फ्रूट बास्केट, और एक दूसरी फल रखने वाली टोकरी खरीदी, फॉर अ बिट मोर, कुछ और पैसे की, ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट, और एक सुंदर कागज रखने वाली, मैं खराब कागज रखने वाली टोकरी खरीदी, वेस्ट पेपर माने खराब कागज, ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर अ रुपीज, और एक रुपए की मैंने खराब कागज रखने वाली टोकरी खरीदी, ए लवली सिंग बास्केट, और एक सुंदर सिलाई, सिंग माने सिलाई, ए लवली सिंग बास्केट फॉर ए रुपीज, और एक रुपए की सुंदर सिलाई करने वाली बास्केट, यानी सिलाई का सामान रखने वाली बास्केट मैंने खरीदी, टोकरी खरीदी, अ फ्यू फैंस, और कुछ फैंस पंखे मैंने खरीदे, फॉर एन अनास आर टू ए पीस, एक आना या कुछ और पैसे की, माई आर्म्स, मेरी बाहें वर फील्ड, भर गई थी, एंड और आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट्स, और आई हैड नॉट स्पेंड, और मैंने खर्च भी नहीं किया था 50 सेंट, 50 सिक्के, बता रहे हैं कि मैंने 50 सिक्के भी पूरी तरीके से खर्च नहीं किया था, कि मेरी बाहें सामान से भर गई थी। बता रहे हैं, एक छोटा बास्केट खरीदे कुछ आना का, फिर इसके बाद फल रखने वाली टोकरी खरीदे थे, और रद्दी कागज रखने वाली टोकरी रखे थे, और सिलाई के सामान रखने वाली टोकरी खरीदे, और कुछ पंखे, एक दो पीस पंखे खरीदे, जो फैन होते हैं बच्चों की, वो बता रहे खरीदे। द चिल्ड्रेन पास्ड इन, बच्चे इधर उधर टहल रहे थे, साउटिंग दियर वेयर्स, और अपने सामानों को बेचने के लिए चिल्ला रहे थे, साउटिंग माने चिल्लाना, वेयर्स माने सामान बेचना, अपने सामानों को बेचने के लिए चिल्ला रहे थे। आई वॉज अ प्रिजनर, मैं एक कैदी हो गया था, कंप्लीटली सराउंडेड,
पूरी तरीके से, पूरे कंप्लीट माने पूर्ण रूप से सराउंडेड, घिर चुका था, अनेबल टू मूव, चलने में असमर्थ था। इनके कहने का मतलब है बच्चे इस प्रकार टिड्डियों की भांति मुझे चारों से घेर लिए कि मैं पूरी तरीके से कैदी के समान दिखाई दे रहा था, अर्थात मैं इधर से उधर कहीं टहल नहीं सकता था। द मोस्ट डिलीजेंट, सबसे अत्यधिक परिश्रमी, डिलीजेंट माने परिश्रमी, सबसे अधिक परिश्रमी, एग्रेसिव आक्रामक वेंडर, विक्रेता, वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9, वह 9 वर्ष की एक सुंदर लड़की थी। बता रहे हैं कि जो सबसे परिश्रमी और सबसे आक्रामक जो विक्रेता थी, वह एक सुंदर 9 वर्ष की लड़की थी, राइट इन फ्रंट ऑफ मी, जो मेरे सामने दाहिनी ओर खड़ी हुई थी, यानी ठीक मेरे सामने खड़ी हुई थी। राइट माने ठीक, फ्रंट ऑफ मी माने मेरे सामने। सी हैड अ लवली बास्केट, उसके पास एक सुंदर टोकरी थी, विथ हैंडल, जिसमें हत्था लगा हुआ था, हैंडल माने हत्था, उसके पास एक सुंदर हत्थेदार टोकरी थी, एंड और सी वॉन्टेड ए रुपी, और वह उसका 1 रुपये चाहती थी, अर्थात तो वह उस टोकरी को 1 रुपये में बेचना चाहती थी, एंड और अ हाफ फॉर इट, और आधा, अर्थात वह उस टोकरी को 1 रुपीज एंड ए हाफ, 1 रुपये और आधा रुपये, अर्थात 1.5 रुपये में वह बेचना चाहती थी, और या अबाउट 30 सेंट, या लगभग 30 सिक्के में वह बेचना चाहती थी। बता रहे हैं कि जो सबसे आक्रामक और सबसे परिश्रमी विक्रेता थी, वह एक सुंदर 9 वर्ष की लड़की थी, जो ठीक मेरे सामने खड़ी हुई थी, खड़ी थी, वह एक सुंदर बास्केट, हत्थेदार टोकरी, एक सुंदर हत्थेदार टोकरी बेच रही थी, और उस टोकरी का दाम उसने रखा था 1.5 रुपये, सी वॉन्टेड 1 रुपी एंड अ हाल्फ फॉर इट, आर अबाउट 30 सेंट्स, यानी वह 1.5 रुपये या कम से कम उसका वह 30 सिक्के चाहती थी, 30 सिक्के में उसको बेचना चाहती थी। सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वह ईमानदारी से अपने सामान की प्रशंसा करने वाली थी। अर्नेस्ट माने एक बहुत ही अमीर, जिसको कह सकते हैं, वैसे अर्न मीन्स कमाना होता है, लेकिन यहाँ पर अर्नेस्ट से अमीरी की बात हो जाती है या ईमानदारी की बात की जाती है, प्रशंसा, प्लीडर माने प्रशंसा। तो सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वह ईमानदारी से अपने सामान की प्रशंसा करने वाली थी। देयर वर टीयर्स इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड एंड बेग्ड, वह आग्रह कर रही थी, एंड बेग्ड, गिड़गिड़ा रही थी, इन टोन्स, एक सुर में, वह एक सुर में या स्वर में वह गिड़गिड़ा रही थी, आग्रह कर रही थी, दैट वुड रिंग एनी हर्ट, जो किसी के हृदय को पिघला सकता था, दैट वुड रिंग एनी हर्ट, यानी कि रिंग माने व्याकुल कर देना, हर्ट माने हृदय, यानी वह इस पतले स्वर में आग्रह कर रही थी टोकरी को खरीदने के लिए, गिड़गिड़ा रही थी कि वह किसी के हृदय को जागृत कर सकता था, किसी के हृदय को व्याकुल कर सकता था। माई आर्म्स वर फुल, मेरे बांह भर चुके थे। आई हैड नो रूम, मेरे पास जगह नहीं था। लेट अलोंग एनी नीड, न ही कोई जरूरत थी। लेखक बता रहे हैं कि मेरी बाहें, यानी जो ये टोकरी सामान सब खरीदे थे, बता रहे हैं मेरी बाहें भर चुकी थी और मेरे पास कोई जगह था नहीं था, और लेट अलोंग एनी नीड, और न ही मुझे सामानों की अब कोई जरूरत थी। फॉर एनदर बास्केट, यानी कि किसी अन्य टोकरी की, करें नहीं मुझे अब किसी अन्य टोकरी की जरूरत थी। बैलेंसिंग माई बास्केट, अपने टोकरी का संतुलन बनाते हुए, यानी जो टोकरी लिए थे, बहुत सारी टोकरियां हो गई थी तो अपने बाहों में सब लिए थे, वही बता रहे हैं कि बैलेंसिंग माई बास्केट, अपनी टोकरी का संतुलन बनाते हुए, एंड फैंस, और अपने पंख का संतुलन बनाते हुए, जो पंखे लिए थे उसका संतुलन बनाते हुए, ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपने दाहिनी भुजा में, यानी अपने भुजा के बाईं ओर, सॉरी लेफ्ट माने बाईं ओर, अपने भुजा के बाईं ओर मैं अपनी टोकरी और अपने पंखों को जो मैं खरीदा उसका संतुलन बनाते हुए, आई रीच्ड इनटू माय राइट कोट पॉकेट,
आई रीच्ड, मैं पहुंचा इन टू माई राइट कोट पॉकेट, अपने कोट के दाहिने जेब में। यानी कि कह रहे हैं कि इन सामानों को मैं अपनी भुजाओं में, अपनी बाहों में संभालते हुए मैं अपने कोट के दाहिनी, जो कोट था उस कोट के दाहिनी जेब में मैंने हाथ डाला। एंड और गॉट अ हैंड फुल ऑफ चेंज, और एक मुट्ठी सिक्के, चेंज माने सिक्का होता है, एक मुट्ठी सिक्का मैं निकाला। परहैप्स यानी जेब में से एक मुट्ठी छुट्टे पैसे निकाले, परहैप्स शायद 15 सेंट्स इन ऑल, शायद पूरे मिलाकर 15 सिक्के थे, 15 सेंट्स 15 सिक्के थे। विच जिसे आई डिपोजिटेड इन द बास्केट, जिसे मैं टोकरी में रख दिया, यानी वो जो लड़की थी बता रहे हैं, विच आई डिपोजिटेड इन द बास्केट, जिसे मैं टोकरी में रख दिया, दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, उस टोकरी में जो कि यंग गर्ल, वह नवयुवक लड़की, नौजवान लड़की हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, जो मेरे सामने विनती करते हुए खड़ी थी। बता रहे हैं मैं अपने कोट के दाहिने जेब में हाथ डाला और एक मुट्ठी भर सिक्का निकाला, छुट्टे पैसे निकाले, और शायद 15 सिक्के कुल मिला करके थे, और मैं उस सिक्कों को जो विनती करते हुए छोटी सी लड़की मेरे सामने खड़ी थी उसके टोकरी में मैं डाल दिया। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट, आई ट्राइड मैंने प्रयास किया, टू एक्सप्लेन दैट यह बताने का कि, यानी मैं पूरा व्याख्या या बताने का प्रयास किया कि आई कुड नॉट बाई द बास्केट, मैं टोकरी को अब खरीद नहीं सकता, बट एक्सटेंडेड द ग्रेच्युटी एज अ सब्स्टिट्यूट, बल्कि ग्रेच्युटी मीन्स होता है उपहार, सब्स्टिट्यूट माने होता है बदले में, किंतु उसके बदले में धन का उपहार दे रहा हूँ। उन्होंने बताने का प्रयास किया कि मैं अब टोकरी को खरीद नहीं सकता, बल्कि मैं तुम्हें इसके बदले में मैं उपहार दे रहा हूँ धन का। आई रियलाइज्ड एट वंस, रियलाइज्ड माने महसूस करना, एट वंस माने तुरंत, मैंने तुरंत महसूस किया व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, कि क्या ऑफेंस माने अपराध, क्या अपराध आई हैड गिवन मैंने कर दिया है। यानी उन्होंने कहा 15 सिक्के जो थे मिला के उसके टोकरी में डाल दिए, और वे व्याख्या किए कि मैं खरीद नहीं सकता, उन्होंने बताया कि मैं खरीद नहीं सकता, बल्कि मैं ये पैसे तुम्हें एक धन के रूप में, उपहार के रूप में ये धन मैं दे रहा हूँ। और कह रहे हैं कि ऐसा करने के पश्चात तुरंत बताया, आई रियलाइज एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, मुझे तुरंत यह एहसास हुआ कि मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। द चाइल्ड ऑफ 9, जो 9 वर्ष की लड़की थी, बच्ची थी, ड्रेस्ड इन रैग्स, वह फटे पुराने कपड़े पहने थे, ड्रेस्ड माने कपड़े पहनना, रैग्स मीन्स पुराने कपड़े, ड्रेस्ड इन रैग्स, वह फटे पुराने कपड़े पहनी थी, एंड और ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, जो भुखमरी के कगार पर थी, स्टारवेशन माने भुखमरी, एज माने किनारा, जो भुखमरी के कगार पे थी, रेज्ड हर चिन, वह अपनी ठोड़ी को ऊपर उठाती है, यानी वह जो लड़की थी वह अपनी ठोड़ी को ऊपर उठाती है, रीच्ड इन टू द बास्केट, और अपने हाथ को टोकरी में डालती है, रीच्ड इन टू बास्केट यानी टोकरी में पहुंचती है, तो टोकरी में पहुंचने का मतलब अपने टोकरी में अपने हाथ को डालती है, एंड और विथ ऑल द प्राइड, और बड़े ही गर्व से, वह लड़की टोकरी में हाथ डालती है बड़े ही गर्व से, विथ ऑल द प्राइड, बड़े ही गर्व से, एंड ग्रेसियसनेस, बड़े ही उदारता से, यानी गौरव से, ऑफ लेडी यानी एक महिला के, यानी एक महिला के गौरव और गर्व से, हैंडेड द मनी बैक टू मी, हैंडेड सौंप देती है द मनी बैक टू मी, वापस मुझे उस धन को। यानी कह रहे हैं कि मुझे तुरंत शर्मिंदगी हुई कि मैं बहुत बड़ा अपराध कर दिया हूँ, वह छोटी उम्र की जो लड़की थी 9 वर्ष की, वह एक फटे पुराने कपड़े थी जो पहने थे, जो भुखमरी के कगार पर थी, वह तुरंत अपने ठोड़ी को उठाती है और अपने टोकरी में हाथ डालती है, और एक नारी सम्मान और गौरव की भांति वह पैसे को तुरंत मुझे वापस निकाल करके दे देती है। देयर वाज ओनली वन थिंग, अब तो सिर्फ एक ही चीज़ थी, आई कुड डू, जो मैं कर सकता था,
आई बाट द बास्केट, वह कि मैं टोकरी को खरीद लूं। बता रहे अब तो मेरे पास एक ही विकल्प था जो मैं कर सकता था, सिर्फ मैं टोकरी को खरीद सकता था। सी वाइप्ड हर आईज, वह अपनी आंखों को पोछती, यानी अपने आंसुओं को पोछती है, वाइप माने पोछना। स्माइल्ड और मुस्कुराती है, एंड और डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, डैश डाउन भागती है द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म से यानी उस प्लेटफॉर्म पर से भागती है। हेडेड फॉर सम ग्रास हट, हेडेड फॉर सम ग्रास हट, कुछ घास की, मतलब कि घास की झोपड़ी की ओर वह अपने आंसू को पोछती है, मुस्कुराती है और तुरंत प्लेटफॉर्म की, प्लेटफॉर्म से उतर कर उस घास, अपने घास की झोपड़ी की ओर भागती है। दैट वुड हैव एटलीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, और लगभग, एटलीस्ट माने कम से कम, 30 सेंट्स 30 सिक्के दैट नाइट, उस रात उसने कमा लिया था, यानी उसका उस रात 30 सिक्के हो गया था पूरा उस लड़की का। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर, मैंने बताया दिस स्टोरी, इस कहानी को, टू प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री को, पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेखक कह रहे हैं कि मैंने इस कहानी को पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे उनको बताया। आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे कहा कि इट वॉज वन रीजन, यही एकमात्र कारण है, आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया, जो कि मैं भारत के साथ प्रेम में पड़ गया, यानी भारत के साथ मुझे लगाव हो गया। फॉलन इन लव माने प्रेम में पड़ जाना या लगाव बढ़ जाना। करें कि आई टोल्ड हिम इट वॉज वन रीजन, मैंने उन्हें बताया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को मैंने यह बताया कि यही एक ऐसा मात्र कारण है जिसके कारण मैं भारत के लोगों के प्रति प्रेम और स्नेह में पड़ गया। द पीपुल आई सा इन इंडिया, वे लोग, आई सा इन इंडिया, जिन्हें मैं भारत में देखा, दोज इन द विलेज, चाहे वो गांव के हो, एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, चाहे वो हाई ऑफिस यानी उच्च पद पे हो, अच्छे कार्यालय के लोग हों। यानी बता रहे लेखक कि भारत में मैंने जिन लोगों को देखा, चाहे वो गांव के लोग हों, चाहे वो एक अच्छे पद पे आसीन हों, हैव बोथ प्राइड, सभी के पास गर्व था, अपना एक सम्मान था, एंड अ लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी, और उनके पास एक शिष्टाचार की भावनाएं थी। कह रहे कि मैं उन लोग, चाहे वो गांव के से जुड़े हों, चाहे एक शहर के हों, अच्छे पद के लोग हों, सबके पास एक अपना गर्व था, अपना सम्मान था, अपना एक शिष्टाचार सबके पास था। डिकेंसी माने शिष्टाचार, एंड सिटीजनशिप, सबकी अपनी एक नागरिकता थी। यानी बता रहे हैं कि सारे लोग के पास बोथ प्राइड, उनके पास एक गर्व था अपने ऊपर, उनका एक गौरव था, एंड लिवली सेंस ऑफ डिकेंसी, और शिष्टाचार की एक भूमिका, अच्छी भूमिका थी, एंड सिटीजनशिप, और सबके पास अच्छी नागरिकता थी। दे आल्सो हैव अ पैशन, दे आल्सो हैव अ पैशन, उनके पास जुनून भी था, पैशन माने जुनून, उनके पास जुनून भी था फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की, उनके पास स्वतंत्रता के प्रति लालसा थी, स्वतंत्रता पाने की लालसा भी थी, जुनून भी था। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह सुंदर बच्ची, बार्न इन स्कॉलर एंड पुअर्टी, यह एक स्कॉलर, स्कॉलर मीन्स होता है मालिनता, मालिनता है गंदगी कह सकते हैं। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बार्न इन स्कॉलर, यह सुंदर बच्ची एक मालिनता में पैदा हुई थी, एंड पुअर्टी गरीबी में पैदा हुई थी, अनएजुकेटेड इन बोथ, हर तरीके से अशिक्षित थी, अनएजुकेटेड माने अशिक्षित, हर तरीके से अशिक्षित थी, बोथ यानी ग्रामर व्याकरण में भी, एंड मैनर्स और व्यवहार में भी। यानी यह लड़की हर तरीके से अशिक्षित थी, चाहे वह आप व्यवहार रहन सहन की बात की जाए, चाहे व्याकरण की बात की जाए, भाषा की बात की जाए। हैड गिवन मी ए ग्लिम्स ऑफ द वार्म साउल ऑफ इंडिया, यह एक भारत के आत्मीयता की झलक मुझे प्रदान की। बता रहे हैं कि मैंने भारत के सारे लोगों को देखा, चाहे गांव के रहे हों, चाहे वह अच्छे पद के आसीन हों, चाहे वह शहर के लोग हों, सबका अपना एक अलग गौरव था, सम्मान था, सबके पास एक अपनी नागरिकता थी, सबके पास शिष्टाचार था, और सबके अंदर एक जुनून था,
सबके अंदर एक लालसा थी स्वतंत्रता के प्रति, और यह जो छोटी बच्ची थी यह एक मलिनता में, गंदगी में पैदा हुई थी, गरीबी में पैदा हुई थी, और एक अशिक्षित भी थी, चाहे वो आप भाषा की बात करें चाहे व्यवहार की बात करें, हर तरीके से अशिक्षित थी, लेकिन फिर भी इसने मुझे एक भारत के आत्मीयता के प्रति एक बहुत बड़ी शिक्षा, बहुत बड़ी झलक दी। धन्यवाद मित्रों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और विद्यार्थियों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कहीं भी थोड़ी सी भी परेशानी हो तो वीडियो में हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।